हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू चैप्टर 6 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एक्सरसाइज 6D। फर्स्ट इज सिंपलीफाई 5x प्लस 3x माइनस 7। तो देखिए कैसे सॉल्व कर रहे हैं। 5x एज इट इज आ जाएगा, यहाँ पे लगी है ब्रैकेट और अंदर है 3x माइनस 7। बाहर साइन देखना आपने कौन सा है, बाहर साइन है प्लस का, तो अंदर जो भी टर्म्स हैं एज इट इज नीचे उतार लेनी है आपने, ब्रैकेट हटा देनी है, अंदर जो भी टर्म्स है आपने एज इट इज उतार लेंगे। कितना आ गया 5x प्लस 3x माइनस 7 एंड 5 प्लस 3 इज 8, एक्स एज इट इज आ जाएगा। तो 5x प्लस 3x इज 8x माइनस 7, इनके कॉफिशियंट आपने ऐड कर लेने हैं और जो पीछे लिखा है x वो एज इट इज आ जाएगा। लाइक टर्म्स आपने ऐड कर लेनी है, ठीक है, अनलाइक टर्म ऐसी छोड़ देनी है, पीछे आ जाएगा माइनस 7, 8x माइनस 7 इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, 6x प्लस आगे ब्रैकेट है माइनस 7x माइनस 2y। अब देखिए, अब फिर ब्रैकेट के बाहर जो है प्लस का साइन है, जो अंदर टर्म्स है वो अपने एज इट इज उतार ले लिए, ब्रैकेट हटा देनी है। कितना आ जाएगा माइनस 7x माइनस 2y एंड 6 माइनस 7 इज माइनस 1x, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, अब सीधा लिखिए माइनस एक्स। ये यहाँ पर वाई वाली टर्म है, ये किसी के साथ सोल्व नहीं होगी, ये एज इट इज आ जाएगी माइनस 2y। ठीक है, 6 माइनस 7 कितना होगा माइनस एक्स, क्योंकि 7 में से 6 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसके आगे कोई साइन नहीं है, ये प्लस का है, 7 माइनस का है, तो साइन जो बड़े के आगे होता है 7 बड़ा है, उसके आगे माइनस का साइन है, तो यहाँ पे माइनस का साइन लगेगा। 6 माइनस 7 कितना हो गया माइनस एक्स। आगे 5a माइनस 4a माइनस 3x। अब देखिए यहाँ पे ब्रैकेट लगी है, 4a माइनस 3x जो है ब्रैकेट के अंदर है और बाहर साइन कौन सा माइनस का। अब ब्रैकेट के बाहर साइन है माइनस का, तो अंदर वाली जितनी भी टर्म्स होगी उन सभी के साइन आपने चेंज कर देने, ठीक है। ब्रैकेट के बाहर अगर साइन माइनस का है तो अंदर ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म्स होगी उन सभी के साइन आपने चेंज कर देने हैं। तो 5a माइनस, अब देखिए अंदर साइन कौन सा प्लस का है, 4 के साथ साइन प्लस का है, कोई साइन नहीं लगा मतलब प्लस का है, तो क्या हो गया 4 माइनस का हो जाएगा, साइन चेंज हो गया माइनस 4a, ये माइनस का था ये प्लस का हो गया, ठीक है। या फिर आप ऐसे कीजिए प्लस माइनस 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 प्लस, ठीक है। ब्रैकेट के बाहर अगर साइन माइनस का, अंदर सभी के साइन चेंज कर देने हैं। तो 5a माइनस 4a, ए 5 में से 4 के 1 वन ए लिखिए चाहे ए लिख लिए, ठीक है, प्लस 3x ये आंसर आ जाएगा। आगे देखिए 2y माइनस 3y प्लस 2 माइनस 6 प्लस 3y माइनस 8। 2y माइनस, अब देखिए ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन आ गया, अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, कितना आएगा माइनस 3y माइनस 2 माइनस 6। आगे यहाँ ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन है, तो ये टर्म्स दोनों ऐसी ही रहेंगी, कोई साइन चेंज नहीं होगा, प्लस 3y माइनस 8। यहाँ पर देखिए 3y प्लस का आ रहा है, यहाँ पर 3y माइनस का आ रहा है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 3y प्लस का 3y माइनस का, कॉफिशियंट सेम है, ठीक है, पीछे y सेम आ रहा है, लाइक टर्म्स आ रही है, लिटरल सेम है, इनके लिटरल फैक्टर सेम है, कॉफिशियंट सेम है, ठीक है, तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, ये प्लस का एक माइनस का। तो आगे कितना आ गया 2y माइनस 2 माइनस 6 माइनस 8। 2y ये तीनों माइनस के, तीनों ऐड हो जाएंगे, 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 2 16, तो साइन माइनस का ही रहेगा, तीनों ही माइनस के, ठीक है, तो आ गया 2y माइनस 16। आगे देखिए 3c माइनस 2c प्लस 5d माइनस डी। अब देखिए ब्रैकेट के बाहर फिर साइन माइनस के, अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस 2c माइनस 5d, पीछे माइनस डी लगाए, 3 माइनस 2 1c, या फिर आप c लिख सकते हैं सिंपल, ठीक है, माइनस 5 माइनस 1 1d लगा मतलब माइनस 1d है, माइनस माइनस प्लस 5 प्लस 1 6, साइन बड़ा 5 है तो उसके माइनस का साइन लगा, तो माइनस 6d आ जाएगा, तो आंसर आएगा c माइनस 6d। आगे देखिए 8th पार्ट, 40 प्लस 3 माइनस 2t माइनस 4। 40 ब्रैकेट के बाहर, अब पूरी ब्रैकेट चेक करिए पहले, सारे के बाहर प्लस है और यहां पर क्या आ रहा है अंदर, देखिए ब्रैकेट के अंदर एक और ब्रैकेट है उसके अंदर माइनस का साइन है, ठीक है। तो पहले अंदर वाला सोल्व करेंगे, अंदर से बाहर शुरू करेंगे, पहले अंदर सोल्व करेंगे, अंदर बाहर माइनस का है, सॉरी अंदर जो साइन है वो माइनस का है, अंदर साइन माइनस का, तो ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म्स हैं उनके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस 2t प्लस 4, प्लस माइनस 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 प्लस, माइनस 2t प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो आगे कितना आ गया, अब ब्रैकेट के बाद की साइन देखिए, प्लस का साइन है, अब अंदर जो भी टर्म्स हैं एज इट इज आपने उतार लेनी है, अंदर जितनी भी टर्म्स हैं एज इट इज आपने उतार लेनी है। कितना आ गया 3 माइनस 2t प्लस 4, कितना आ गया 4t माइनस 2t, लाइक टर्म है, लाइक टर्म सॉल्व करेंगे, 4 माइनस 2 2t आ गया, 3 प्लस 4 7 आ जाएगा आंसर, आ गया आंसर कितना 2t प्लस 7। आगे देखिए 3x माइनस x माइनस 4x प्लस 3y प्लस 5y,
ऐसे ही करना है, पहले अंदर वाली ब्रैकेट सॉल्व कर लेनी है, ठीक है। एक्स माइनस, अब ब्रैकेट के बाहर साइन माइनस का है तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म्स हैं, माइनस फोर एक्स माइनस थ्री वाई प्लस फाइव वाई कितना का, थ्री एक्स माइनस एक्स माइनस फोर एक्स, पहले इसको सोल्व कर लें, एक्स माइनस फोर एक्स माइनस थ्री एक्स, फोर में से मान के थ्री बटा फोर है तो माइनस का साइन लगेगा, एक्स वाला एक्स में सोल्व हो गया, वाई वाला वाई में से, फाइव माइनस थ्री इज टू, प्लस टू वाई आएगा क्योंकि फाइव के आगे प्लस का साइन है। अब बाहर ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, ठीक है, जब तक ये माइनस का साइन सॉल्व नहीं होगा तब तक आपने ब्रैकेट लगाते रहनी है, ठीक है। अब बाहर माइनस का साइन है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो अंदर जितनी भी टर्म्स हैं साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, प्लस थ्री एक्स माइनस टू वाई, थ्री प्लस थ्री कितना गया सिक्स एक्स माइनस टू वाई, इसका आंसर आ गया। आगे देखिए इलेवंथ, माइनस माइनस टू बी माइनस थ्री बी प्लस एट सी, वही स्टेप करेंगे, पहले अंदर सॉल्व करेंगे ब्रैकेट के, माइनस थ्री बी माइनस एट सी आ जाएगा क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, अंदर दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस थ्री बी माइनस एट सी, ओके। नाउ माइनस माइनस प्लस, ये भी बी वाला, ये भी बी वाला, ठीक है, दोनों लाइक टर्म्स होगी, इन दोनों को सोल्व करेंगे, माइनस थ्री माइनस टू माइनस फाइव बी माइनस एट सी, ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, अंदर दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस फाइव बी प्लस एट सी, ठीक है, दोनों अनलाइक है, दोनों को सोल्व नहीं कर सकते, एज इट इज रहेंगे। आगे देखिए थर्टींथ का सेकेंड पार्ट, थर्टींथ क्वेश्चन है, इवेल्यूएट द एक्सप्रेशन गिवन बिलो, फोर ए इज इक्वल टू माइनस फोर, इसका सेकंड पार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट बहुत इजी है, आप ए को माइनस फोर पुट कीजिए, एट में से फोर के फोर आंसर आ जाएगा। सेकंड में देखिए, यहां पर ए को माइनस फोर पुट करना, आगे लगा सिक्स, तो कैसे करना देखिए, सिक्स ए माइनस फोर्टीन क्वेश्चन है, ए में पुट करना माइनस फोर, ए की वैल्यू दी हुई है माइनस फोर, आपने ए की वैल्यू यहां माइनस फोर पुट कर देना ब्रैकेट के अंदर, ठीक है बेटा, ब्रैकेट के अंदर, मतलब ये आपने सिक्स को फोर से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना, माइनस का साइन साथ में है, सिक्स इंटू फोर ट्वेंटी फोर, प्लस माइनस माइनस, 14 भी माइनस का है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे दोनों, दोनों को ऐड करके कितना आ गया 38, साइन माइनस का ही आ गया, दोनों ही माइनस के हैं तो साइन तो माइनस का ही रहेगा, वैसे भी 24 बड़ा है तो उसका माइनस का साइन लगेगा, ओके बेटा। आगे देखिए इसका सेकंड फोर्थ पार्ट, सेकंड हो गया, फोर्थ पार्ट क्या दिया हुआ है, ए क्यूब प्लस टू ए स्क्वायर माइनस ए प्लस फाइव, आपने ए को पुट करना माइनस फोर, जहां पर ए आएगा वहां माइनस फोर पुट कर दीजिए, माइनस फोर की पावर थ्री, टू इंटू माइनस फोर की पावर टू, माइनस ए की जगह माइनस फोर, ब्रैकेट के अंदर पुट करने हैं, जो भी पुट करना है ब्रैकेट के अंदर पुट करना है, ओके। अब माइनस फोर की पावर थ्री, ये आपने एक्सपोनेंशियल पावर में किया हुआ है, माइनस फोर की पावर थ्री मतलब क्या होता है, माइनस फोर इंटू माइनस फोर इंटू माइनस फोर, माइनस फोर को हम थ्री टाइम्स क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस फोर मल्टीप्लाई माइनस फोर मल्टीप्लाई माइनस फोर, उसकी पावर थ्री है, फोर इंटू फोर सिक्सटीन, सिक्सटीन इंटू फोर सिक्सटी फोर, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, कितना आ गया हमारा माइनस सिक्सटी फोर आएगा, ठीक है, एक माइनस बच गया तो माइनस सिक्सटी फोर आ गया। इसी तरह ये वाला माइनस फोर इंटू माइनस फोर, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, फोर इंटू फोर सिक्सटीन आ जाएगा, माइनस माइनस ये क्या हो गया प्लस, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे प्लस फोर आ जाएगा क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा है तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का फोर हो जाएगा, प्लस फाइव, माइनस सिक्सटी फोर पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, सिक्सटीन इंटू टू थर्टी टू, क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर टू लगा है, ब्रैकेट के अंदर है जो माइनस फोर है, बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, ओके। तो 16 इंटू टू कितना होगा 32, प्लस फोर प्लस फाइव, माइनस सिक्सटी फोर प्लस 32 माइनस 32, प्लस माइनस माइनस कर दिया, बड़ा माइनस किया तो माइनस का साइन आएगा, यहाँ पर प्लस फोर प्लस फाइव प्लस नाइन, इन दोनों को सोल्व किया, माइनस प्लस माइनस, 32 में से 9 की 23, तो बड़ा 32 है तो माइनस का साइन रहेगा, ओके। तो आगे देखिए 14th का सेकेंड पार्ट, इसमें दिया हुआ है दो वैल्यूज है, m माइनस टू है एंड n सिक्स, m माइनस टू एन सिक्स, ठीक है बेटा। इसका सेकंड पार्ट देखिए, फर्स्ट इजी है, m को माइनस टू पुट कर रहा है, n को सिक्स, तो माइनस टू प्लस सिक्स कितना हो जाएगा, या इसका आंसर फोर आ जाएगा। सेकंड पार्ट देखिए इसका, टू एम स्क्वेयर प्लस एट एन, एम को आपने पुट करना है माइनस टू, तो माइनस टू की पावर टू हो जाएगा, एट इंटू सिक्स हो जाएगा, एन सिक्स है, माइनस टू का स्केयर फोर, टू माइनस का स्केयर, माइनस की पावर कोई भी इवन नंबर आ जाए तो प्लस बन जाता है, वो टू का स्केयर फोर, टू इंटू टू फोर, आगे एट इंटू सिक्स फोर्टी एट, फोर इंटू टू मल्टीप्लाई हो जाएंगे, कोई साइन नहीं बीच में, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई है, फोर इंटू टू इज एट, एट इंटू सिक्स फोर्टी एट, फोर्टी एट प्लस एट कितना हो गया 56, इसका आंसर आ गया। इस तरह फोर्थ पार्ट, एम को माइनस टू पुट करना है एन को सिक्स, यहाँ पर थ्री इंटू माइनस टू की पावर थ्री, प्लस टू इंटू माइनस टू की पावर टू, ब्रैकेट में पुट करना सब कुछ, एन को सिक्स पुट कर दिया, एन क्यूब यहां पर सिक्स को पुट कर दिया, सिक्स की पावर थ्री,
थ्री इंटू माइनस टू की पावर थ्री, माइनस टू की पावर थ्री मतलब माइनस टू इंटू माइनस टू इंटू माइनस टू, टू इंटू टू फोर इंटू एट हो जाएगा, ठीक है। माइनस की पावर थ्री ऑड नंबर है तो माइनस ही रहेगा, तो यहां पर टू का स्क्वायर फोर आ जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, टू का स्क्वायर फोर, यहां पर सिक्स एज इट इज लिख लिया, सिक्स की पावर थ्री टू वन सिक्स, सिक्स इंटू सिक्स इंटू सिक्स, ये आपने किया हुआ एक्सपेरिमेंट एंड पावर्स में। अगर 8 को 3 से करें मल्टीप्लाई तो कितना आ गया 24, यहां पर माइनस का साइन है तो माइनस रहेगा, प्लस माइनस माइनस। आगे इसको किया 6 इंटू फोर 24, 24 इंटू 48, 48 इन तीनों को मल्टीप्लाई करके 48 आ गया, यहां पर 216, तो 48 में से 24 गए, ये माइनस का ये प्लस का। कुछ बच्चे यहां पर क्या मिस्टेक्स करते हैं, इन दोनों को प्लस कर देते हैं, आगे साइन या साइन प्लस या माइनस कुछ भी लगा देंगे, इन दोनों को यहां प्लस कर देंगे, प्लस नहीं करना आपने, चेक करना दोनों का साइन, 24 के आगे साइन है माइनस का, 48 के आगे साइन है प्लस का, दोनों के साइन चेक करो, आगे वाला साइन देखते हैं हमेशा, 24 के आगे माइनस का है, 48 के आगे प्लस का है, तो प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, तो करना तो आपने माइनस है, एक प्लस का एक माइनस का, करना माइनस ही है, 48 में से 24 के 24 आएगा। अब देखिए बड़ा कौन सा है, में से 48 बड़ा है कि 24, 48 बड़ा है, ठीक है नंबर देखना कर ला बिना साइन के, तो 48 बड़ा है, 48 के आगे प्लस का साइन है तो प्लस का साइन रहेगा, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करके इतना आ गया 240 आंसर आ गया। आगे देखिए फिफ्टींथ, इसमें लिखा हुआ सिंपलीफाई द एक्सप्रेशन एंड फाइंड देयर वैल्यूज एट एक्स टू ए माइनस वन बी माइनस थ्री। पहले सिंपलीफाई करना है फिर इनकी वैल्यूज पुट करके इनको सॉल्व करना है। फर्स्ट वी हैव टू सिंपलीफाई, फर्स्ट इज फोर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सिक्स ए स्क्वायर माइनस सेवन बी स्क्वायर, तो फोर ए स्क्वायर किसमें सिंप्लीफाई होगा, सिक्स ए स्क्वायर में, पहले इनको सिंप्लीफाई करना, लाइक टर्म इकट्ठे कर लो माइनस लाइक जो दूसरी है लाइक टर्म वो अलग कर ली, ए स्क्वायर वाली इकट्ठी यहां पे कर ली, बी स्क्वायर वाली पीछे कर ली, ठीक है। तो सिक्स प्लस फोर टेन ए स्क्वायर आ गया, माइनस सेवन माइनस एट माइनस वन माइनस एट, माइनस सेवन माइनस वन इज माइनस एट, माइनस एट बी स्क्वायर आ गया, तो कितना आ गया टेन ए स्क्वायर माइनस एट बी स्क्वायर। अब ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि यहां पर ए स्क्वायर है यहां पर बी स्क्वायर है, अनलाइक टर्म्स है, तो आगे पुट करेंगे वैल्यूज क्या पुट करनी है, ए में पुट करना मैंने माइनस वन, बी में पुट करना है माइनस थ्री, ए में पुट कीजिए माइनस वन, बी में पुट कीजिए माइनस थ्री, यहां पर माइनस वन लिखा हुआ है, ए में पुट करना है माइनस वन, बी में पुट करना है माइनस थ्री, तो जहां पर ए है वहां पर कितना आएगा माइनस वन, माइनस वन की पावर टू माइनस एट इंटू बी लिखा हुआ यहां पर, तो यहां पर कितना आएगा माइनस थ्री की पावर टू, ब्रैकेट में हमेशा पुट करना है, तो माइनस की पावर इवन नंबर आ गया तो वन आ जाएगा, यहां पे माइनस की पावर इवन नंबर है तो प्लस में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस वन की पावर इवन नंबर थी तो वन आ गया, यहां पे माइनस थ्री की पावर इवन नंबर है तो थ्री का स्क्वायर तो नाइन हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस तो ये प्लस नाइन आ जाएगा, टेन इंटू वन टेन, एट इंटू नाइन सेवेंटी टू, तो टेन माइनस सेवेंटी टू कितना आ गया माइनस सिक्सटी टू, इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए सेकंड पार्ट, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एट ए एक्स प्लस फोर एक्स स्क्वायर प्लस इलेवन ए एक्स ए बी, तो एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर सॉल्व होगा, ए बी वाला में ए बी वाला, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स स्क्वायर माइनस एट ए बी प्लस इलेवन ए टी बी, थ्री प्लस फोर सेवन एक्स स्क्वायर, इलेवन में से एट गए थ्री ए बी, ठीक है माइनस एट ए बी प्लस इलेवन ए बी प्लस माइनस माइनस, इलेवन में से एट गए थ्री ए बी प्लस का आएगा क्योंकि इलेवन प्लस का है, थ्री प्लस फोर सेवन, तो अब पुट करेंगे, पहले सिंप्लीफाई करना था सिंप्लीफाई हमने कर दिया, पुट करेंगे एक्स को टू, ए को माइनस वन, बी को माइनस थ्री, जहां पर एक्स है वहां पर टू आ जाएगा, टू का स्क्वायर ब्रैकेट में लेना है प्लस थ्री इंटू ए कितना माइनस वन ब्रैकेट में लेना है, बी कितना माइनस थ्री ब्रैकेट में लेना है, टू का स्क्वायर फोर, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, थ्री इंटू थ्री नाइन, सेवन इंटू फोर ट्वेंटी एट, ट्वेंटी एट प्लस नाइन थर्टी सेवन, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है बेटा, ओके।